इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। सावधान, दिल्ली पुलिस ने जारी किया है आम आदमी के लिए एक नया फरमान। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी ऐप मोबाइल में डाउनलोड ना करे। जी हाँ, लगातार हो रहे साइबर अपराध, पेटीएम या दूसरे ई वॉलेट के जरिए धोखाधड़ी से बचने के लिए दिल्ली के साइबर सेल ट्वीट करके अब लोगों को सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। साइबर सेल के डीसीपी अनेश रॉय के मुताबिक राजधानी दिल्ली में लगातार पेटीएम के केवाईसी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं और इसी के चलते दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी आपको पेटीएम केवाईसी की वेरिफिकेशन के नाम पर कॉल करता है या एसएमएस करता है तो उस पर आप कतई भरोसा ना करें। दिल्ली पुलिस ने लोगों से यह भी कहा है कि किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड ना करें। ये ऐप आपके ओटीपी और एसएमएस को पढ़ सकता है। साइबर सेल ने लोगों को चेताया है कि कोई भी ई वॉलेट कंपनी कॉल करके केवाईसी वेरीफाई नहीं करती है। इसके लिए ठग आपसे संपर्क करने के लिए दो तरीके अपना रहे हैं। पहले आपको केवाईसी के नाम पर मैसेज भेजते हैं, दूसरा ये ठग खुद ही फोन करके आपको बताते हैं कि आपके नंबर का फिर से केवाईसी किया जा रहा है और इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो फोन पर बात करते हुए अपना केवाईसी करा सकते हैं। ये ठग आपसे दो मोबाइल ऐप एनी डेस्क या फिर क्विक सपोर्ट डाउनलोड कराते हैं और इन ऐप को डाउनलोड कर जैसे ही ओपन करते हैं तो उस पर 10 डिजिट का एक नंबर डिस्प्ले होता है। इस नंबर को ठग पूछ लेते हैं और इस नंबर को जान लेने पर ठग भी आपके फोन स्क्रीन को अपने सिस्टम पर देखने लगते हैं। दरअसल रिमोट मोबाइल ऐप ऐसे होते हैं जिनके जरिए आप अपने फोन को दूर बैठे व्यक्ति को भी देखने और प्रयोग करने का अधिकार दे देते हैं, लेकिन ठग इसके जरिए आपके फोन से करीब 1 या 10 रुपए ही वॉलेट में डलवाते हैं और आपका पिन नंबर देख लेते हैं और इस तरह आपसे बात करते हुए खाते से सारे पैसे किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर करा लेते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने वालों से ठगी के लिए सिर्फ केवाईसी के जरिए ही नहीं बल्कि और भी तरीके आजकल अपनाए जा रहे हैं। इसके लिए ठग अपने मोबाइल नंबर को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के कस्टमर केयर का बताते हुए गूगल पर डाल देते हैं और इसी तरह से ओएलएक्स पर सामान बेचने या खरीदने के नाम पर भी ठगी जा रही है, आपको एक लिंक भेजकर ठगी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार के कोई कॉल या एसएमएस आते हैं तो आप इन पर विश्वास ना करें और ठगी के शिकार ना बने और इस खबर को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी सतर्क रहे। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।